नमस्कार मित्रों, हूँ मोहन गढ़वी। गुजराती दुनिया यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, बंगाल की खाड़ी में बनेली मजबूत लो प्रेशर सीस्टम हवे धीमे धीमे आगळ वधी रही है। आ सीस्टम गुजरात पर पहुंची नहोती, एनाथी पहला ज घणा विस्तारों में वरसादनो जोर वधी गयो हतो। गई काले रात्रे गुजरात घणा बधा विस्तारों में वरसादनो जोर वध्यो छे अने घणा विस्तारों में अति भारे वरसाद पण जोवा मळ्यो छे। तो मित्रों, हवे आ मजबूत लो प्रेशर सीस्टम गुजरात उपर केवी रीते आवशे, गुजरात में हजी कई तारीखों में अति भारे वरसादनी शक्यताओ रहेशे, अने सौथी महत्वनो प्रश्न के आगामी त्रण दिवसों में गुजरात ना कया कया जिल्लाओं में अति भारे वरसाद पड़ी सके छे। तो मित्रों, आवा तमाम प्रश्नों उपर आपणे आजना आ वीडियो में खूब ज विस्तारपूर्वक वात करवानी छे। माटे आ वीडियो ने छेले सुधी जोवा तेमज लाइक अने शेर करवा खास विनंती। अने जो तमे अमारा आ चेनल उपर पहली वार आव्या छो तो हमणा ज आ चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। तो चालो आजनो आ महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करिए। मित्रों, सौ प्रथम तो आ बंगाल नी खाड़ी ना लो प्रेशर सीस्टम ना असर ना भाग रूपे दक्षिण गुजरात, कच्छ, मध्य गुजरात अने सौराष्ट्र ना मोटा भागना विस्तारों में दिवस दरमियान वरसाद नो प्रमाण सारो जोवा मळ्यो छे। आ विस्तारों में आजे रात्रे पण वरसाद नो प्रमाण खूब ज सारो रही सके छे अने केटलाक विस्तारों में अति भारे वरसाद पण पड़ी सके छे। खास करीने दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्र कोई कोई विस्तारों में भारे वरसादनी शक्यता रहेली छे आजे रात्रे। हवे मित्रों, बंगाल नी खाड़ी में सर्जायेला लो प्रेशर सीस्टम नी वात करिए तो मित्रों, 14 तारीखे वेली सवारे आ मजबूत लो प्रेशर सीस्टम गुजरात में प्रवेश करशे एवी शक्यता देखाई रही छे। मॉडल अनुसार वात करिए तो आ लो प्रेशर सीस्टम दक्षिण कोस्टल दरिया किनारा ना आजूबाजू माथी निकलशे। यूरोपियन मॉडल अनुसार वात करिए तो यूरोपियन मॉडल प्रमाणे आ सीस्टम नो ट्रेक दक्षिण मां दर्शावी रह्युं छे। जो मॉडल अनुसार आ मजबूत लो प्रेशर सीस्टम गुजरात ना दक्षिण भागो माथी निकलशे तो मित्रों, मोटा भागनो वरसाद दरियामां नोंधाशे अने जो आवुं बनशे तो गुजरातना कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य गुजरात अने उत्तर गुजरातना केटलाक विस्तारोमां भारे वरसादनी शक्यता रहेशे, जेमां समग्र गुजरातमां 14-15 तारीखमां सारा वरसादनो राउंड आवशे। तो मित्रों, आवी रीते बंगाळनी खाड़ीनी आ जे मजबूत लो प्रेशर सीस्टम छे एनो सौथी वधारे असर 14 तारीखमां जोवा मळी शके छे। हमणा मित्रों, आंकड़ाओ अनुसार वात करीए तो छेल्ला 24 कलाकमां 15 थी वधारे विस्तारोमां 8 इंच थी वधारे वरसाद नोंधाई चूक्यो छे, जेमां सौथी वधारे नर्मदाना डेडियापाड़ामां 534 mm, तिलकवाड़ामां 508 mm, सूरतना उमरपाड़ामां 427 mm अने वलसाड़ना कपराड़ामां 401 mm जेटलो वरसाद नोंधायो छे। आना सिवाय पंचमहाल, डांग अने तापी जेवा विस्तारोमां पण भारे वरसाद पड्यो छे अने आगाही अनुसार आ जिल्लाओमां हजी आगामी 15 जुलाई सुधी वरसाद चालू रही सके छे। हवे मित्रों, आगामी दिवसोमां 14 अने 15 जुलाईमां दक्षिण गुजरात अने दक्षिण सौराष्ट्रने मेघराजा धमरोळी नाखशे एवी शक्यताओ देखाई रही छे। पहेलाना घणा વિડીયોમાં જેમ જણાવ્યું હતું એમ 11 અને 12 તારીખની બંગાળની ખાડીની લો પ્રેશર સિસ્ટમ મધ્ય ભારત સુધી આવી જશે અને અતિ ભારે વરસાદ લાવશે। આ લો પ્રેશર સિસ્ટમ હાલમાં ઓડિશાના દરિયા કિનારે ઉત્તર પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં છે, જે ટૂંક જ સમયમાં વધારે મજબૂત બનશે। અલગ અલગ દિવસે આ સિસ્ટમ યુએસના ટ્રફ, ઓફશોર ટ્રફ, સિયર ઝોન અને બહોળા સર્ક્યુલેશન જેવા વિવિધ પરિબળોની અસરથી 14 અને 15 તારીખમાં ગુજરાતનો વારો કાઢી નાખશે એવી શક્યતા છે। આગાહીના દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં મધ્યમથી ભારે 50 mm કરી અને 150 mm સુધીના વરસાદની શક્યતા રહેશે, જ્યારે અમુક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે 200 mm વધારે વરસાદ પડી જશે એવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે। મિત્રો, ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ 15 mm કરી અને 50 mm વરસાદની શક્યતા રહેશે, જેમાં એકાદ બે જગ્યાએ 100 mm વધારે વરસાદ શક્યતા રહેશે। દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે 100 થી 200 mm સુધીના વરસાદની શક્યતા રહેશે અને મિત્રો, ભારે વરસાદના સેન્ટરોમાં 200 mm થી પણ વધારે વરસાદની શક્યતા રહેશે। આગાહીના દિવસોમાં પવનની વાત કરીએ તો મિત્રો, 14 અને 15 તારીખમાં આ સિસ્ટમના ટ્રેકમાં આવતા પવનની ઝડપ વધુ હશે। આની ઝડપ 25 કિમી સુધીની હોઈ શકે છે અને ઝાટકાના પવનો 50 કિમી સુધી પહોંચી જાય એવી શક્યતા રહેશે। હવે મિત્રો, ગુજરાતમાં વરસાદનો જોર ક્યારથી ઘટશે તે વિષયમાં વાત કરીએ તો મિત્રો, 15 જુલાઈની સાંજથી અથવા તો રાતથી વરસાદનું જોર ઘટતું જશે, પછી આગામી 23-24 તારીખ સુધી ઘણા વિસ્તારોમાં એક વરાપ જોવા મળી શકે છે, પણ આ દિવસોમાં પણ સામાન્ય ઝાપટાની શક્યતાઓ રહેશે મિત્રો। તો મિત્રો, જેમ શરૂઆતમાં જણાવ્યું એમ હમણાં ગુજરાત ઉપર એક વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય છે અને આ સિસ્ટમના કારણે આજે ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ સહિતના તમામ વિસ્તારોમાં આજે મેઘો મહેરબાન રહેશે।
आज सौराष्ट्र ने दक्षिण गुजरात केटलाक विस्तारों में भारे वरसाद की शक्यता रहे अने एना सिवायना अमुक अमुक विस्तारों में भारे वरसाद पड़ी सके छे। वरसादनी आ नवी सिस्टम ज्यारे गुजरात उपर पहोंचशे त्यारे आ सिस्टम वधारे मजबूत बनीने फरी एकवार लो प्रेशर में अथवा तो वेलमार्क लो प्रेशर में फेरवाई जशे। मित्रों जो आपणे आ सिस्टम ना हमणाना मॉडल अनुसार बात करिए तो मित्रों आ जे मजबूत लो प्रेशर सिस्टम छे ई सिस्टम द्वारकाना दरिया में वधारे मजबूत बनी अने डिप्रेशन में फेरवाई सके छे जे अति भयंकर अने नुकसानकारक वरसाद लावी सके छे। मित्रों वरसादना 3-4 दिवसोना राउंड में गुजरातना मोटा भागना तळावो अने डेमो तथा नदियों नाळा छलकाई शके छे। गुजरातना घणा खरा विस्तारों में पाणी भराई जशे जेना कारणे लोकोने बहार निकळवामां पण तकलीफ पड़ी शके छे। गुजरातना शहेरो समुद्र में फेरवाई जाय एवा दृश्यो सामे आवी शके छे। मित्रों तो मित्रों आवी रीते आगामी 15 जुलाई सुधी में गुजरातना मोटा भागना विस्तारों में खूब ज अति भयंकर वरसादनी शक्यताओ देखाई रही छे माटे आगामी 15 जुलाई सुधी सावधान रहेवू। मित्रों तो मित्रों वीडियो नी शुरुआत में जेटला पण प्रश्नों जणाव्या हता ई बधा प्रश्नों उपर आपणे खूब ज विस्तारपूर्वक वात करी लीधी छे। हवे मित्रों तमे गुजरातना कया विस्तारमांथी आ वीडियो ने जोई रह्या छो अने तमारा विस्तारमां आजनी तारीख सुधी केटलो वरसाद थयो छे? सामान्य वरसाद छे, हळवो मध्यम वरसाद छे, भारे वरसाद छे के पछी तमारा विस्तारमां हजी सुधी वरसाद नथी पड्यो? मित्रों तमारो जवाब अमने नीचे कमेंट बॉक्समां लखीने जणाववा खास विनंती। धन्यवाद।